कहते हैं कि इस देश में 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। जी हाँ, आज हम जिस दृश्य को दिखाने जा रहे हैं और उस दृश्य को देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में जनता के पैसे का गलत प्रयोग पंचायती राज के विभागों द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी ई न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। आज हम आपको जंगल में मंगल करने वाली इज्जत घर को दिखाने जा रहे हैं और बिहार में यह पहला है नहीं, न जाने कितने ऐसे इज्जत घर है जिसको कोई देखने और सुनने और समझने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री का स्वच्छ अभियान के तहत हर घर शौचालय योजना का किस तरह से गलत प्रयोग किया जा रहा है वो भी हम दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर अंचल क्षेत्र और बरियारपुर पूर्वी पंचायत के माधोपुर गांव में जिस घटना को हम दिखाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो जंगल है चारों तरफ और जंगल के बाद यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। सार्वजनिक शौचालय को कहाँ बनाया गया है और क्यों बनाया गया है इसको हम दिखाने जा रहे हैं। कोई जनता बोलने वाली नहीं है क्योंकि जनता जो है इस समय पूरी तरह से मौन साधी हुई है। आप देख सकते हैं कि इस जंगल के अंदर ये कल का जगह बना है लेकिन यहाँ कल नहीं है और कहने वाले ही बता रहे हैं कि कल को किसी ने आज तक लगाया ही नहीं। अब दूसरा चीज़ ये है कि कहने वाले के कहना यह है कि यहाँ पर कल लगा हुआ था लेकिन जितने बड़का जनप्रतिनिधि अगर चोर है ना, वहू से बड़का चोर जनता है कि इसको चोरा ले गया। अब उतना ही नहीं, ये देख सकते हैं आप कि ये जो है ये ग्राम पंचायती राज बरियारपुर पूर्वी प्रखंड जो है ये सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है और सार्वजनिक शौचालय में कुछ लोगों का नाम चिन्हित भी किया गया है। यहाँ तक कि जनता इतनी भूखी नंगी हो गई है कि शौचालय का दरवाज़ा भी चोरा कर और कहीं तो लोहा या तो बेच दिया है या फिर अपने घर में लगा लिया है। ये देख सकते हैं स्थिति ऐसा है कि जनता के पैसे को किस तरह से लूट खसोट किया जा रहा है। और ये जंगल है, ये एक बार जब बनाना था ना तो इसका पैसे में बंदर बांट करना था तो इसको हर हाल में तैयार किया गया। हालांकि बहुत अच्छा बना है, बनने के लिए चारों तरफ टाइल्स लगा है, महंगी महंगी टाइल्स लगी हुई है। सवाल तब खड़ा हो जाता है कि सब कुछ लगने के बावजूद भी इसका प्रयोग क्यों नहीं। तो प्रयोग इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ जंगल है और दूसरे में सरकारी संपत्ति का रख रखाव करने वाला कोई आदमी नहीं है और जिस जनता के लिए लगा हुआ है वो जनता भी चोर है। अगर चोर नहीं होती तो यहाँ जो कल लगा हुआ था उस कल को खोल के नहीं ले जाती और कल खोल के नहीं ले जाता तो कम से कम यहाँ पर लोग प्रयोग करते हैं। अब जनता कितनी अच्छी है कि बगल में इस साफ सफाई भी नहीं कर सकती है। सरकार जो है ना इनको हगने मुतने के लिए एकदम स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ये सरकारी पैसे से बना है लेकिन जनता साफ सफाई नहीं करेगी। और हमारे पास जो है यहीं के अस्थाई निवासी है। कौन है आप? हम साहब सोनी हैं। साहब सोनी जी, क्या ऐसा पैसा बाकी है? ये शौचालय का पैसा बाकी है। किसका पैसा बाकी है? शौचालय का जो ब्लॉक से मिला ना। हाँ। तो अभी ले इसका बिल बाकी है। आप काम करवाए थे? हाँ, मैं करवाया था। कृष्णा सहनी और मुखिया जी जो है। हाँ। वो मिलकर हम लोग करवाए थे। क्यों पैसा बाकी रह गया? अभी मिला ही नहीं है पैसा। तो मतलब मिला नहीं तो अभी मिलेगा ना? हाँ, बोल, हम जब जाते हैं ना तो संजीव सर जो है कि आ जाइए बिहार आइए परसों आइए करते रहते हैं। शौचालय पूरी तरीके से बन कर जो है तैयार है, यहाँ के माननीय मुखिया जी कृष्णा सहनी हैं लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि अभी पैसा जो है पूरी तरह से ब्लॉक से क्लियर नहीं हुआ है। अब सवाल दूसरा ये खड़ा होता है कि जब इसका यही दृश्य करना था तो बनाने की क्या ज़रूरत, और अगर आपने बना ही दिया तो कम से कम सही तरीके से इसका प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर चापा कल लगा था कि नहीं? लगा था, हलवाए थे, देख नहीं रहे, चुरा कर ले गया ना। हाँ। अब रात में ले गई चुरा के तो हम तो नहीं जान रहे हैं कि हाँ कौन ले गया नहीं। अब जहाँ तक सवाल रह गई तो हमारा बनवाना था, जगह चयनित हुआ और जंगल कटवा दी उस समय, बार बार जंगल को हम ना कटवाएंगे। हाँ, आप ही को ठीका मिला था क्या? हाँ, हमारा दो आदमी का मिला था, नेताजी को
और हमको मिला था। क्या नाम हुआ आपका? बोला है नहीं, साहेब सहनी। साहेब सहनी को इसका ठेका मिला हुआ था और इनका कहना यह है कि जब हमने शौचालय का निर्माण करवाया तो पूरा जंगल कटवा दिया, लेकिन नैतिक कर्तव्य कुछ जनता की भी होती है कि भाई वो भी सफाई को ध्यान में रखे, लेकिन यहाँ की जनता इतनी आलसी है कि उसके मुँह में जो है ना भोजन देंगे तब जाकर वो कहीं दांत चला के खा लेगा, नहीं तो वो थाली में से उठाएगा भी नहीं, चूँकि हगेगा लोग दूसरा कोई। अब बार बार साहेब सहनी जो है जंगल साफ करवाने का ठेका तो नहीं लेंगे, एक बार अभी अभी उसका भी पैसा बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि इतना व्यवस्था सरकार ने दिया है और सरकार ने इतना बड़ा व्यवस्था दिया है, इसके बावजूद भी स्थित हैं और जिनके लिए शौचालय बना, सरकार ने शौच खुले में शौच न कोई महिला को जाना पड़े इसके लिए जो है कि शौचालय की व्यवस्था बनाया, ये शौचालय पर कौन जाता है? लेडीज जाता है, क्या जाता है? मैंने लेडीज में पूरे गांव के लोग जाते हैं? हाँ, पूरा गांव के लोग जाते हैं। अच्छा ये बताइए, इसको साफ सफाई क्यों नहीं आप लोग रखते हैं? अब देखो कॉल है ये नहीं है तो साफ सुथरा कह के क्या करेंगे बताइए? कॉल सरकार एक बार गाड़ दिया और यहीं के लोग चोरा लिया तो कब बार गाड़ेगा? अब हम कथी बोलिए ना, अब उनका पूछिए उनके से कॉल हम कहे तो ले गया कहे बतियाते हैं चोरा लिया, हम नहीं बोलते हैं कॉल तो कौन सच बताइए ना, सच बताइए कैमरे सच बताइए, वो अपने लेकर थे, वो तो बोल रहे हैं कि चोरा है साहब, वो अपने लेकर। हाँ सच बताओ, एक मिनट सर रुकेगा, यहाँ बोलिएगा कॉल को चुरा रहा था कि क्या कर रहा था? कुछ कर रहे थे ले गए ना, तो हम कैसे झूठ बोली हो? अरे सुनो ना, आप ले गए ना कॉल? सुनिए, कॉल को तोड़ दिया था तो ये बोला कि हाँ तो आपने कहा कि चोरी कर ले गए? हाँ तो चोरी करके ले जा रहा था ना, लेकिन आप ले गए ना? हाँ तो ले गए तो रखल है कॉल, अभी तक तो आप बोलेंगे चोरी कर ले गया। ये है हमारे देश के बढ़िया ठेकेदार साहब और ये हमारे देश की जनता है कि जो झूठ खुलेआम बोल रहे हैं कैमरे पर, जब इनका भेद खुल रहा है तभी कह रहे हैं कि हम ही खोल कर रखे हुए हैं। आयकरा पहले कह रहे हैं इसी कैमरे पर कि कल चोर चोरी करके ले गया, अब जो है गेटवा की बात है, ये क्या कहेंगे हम? बिहार जो है पीछे क्यों है? सही बात है कि ये ले गए हैं कल। हाँ ये ले गए हैं। कस के बोलिए? ले गए हथुन। के ले गए हथुन? साहेब सहनी। साहेब सहनी? हाँ साहेब सहनी ले गए हथुन। हाँ ले गए। जब साहेब सहनी कल ले गए हथुन तो फिर पानी कहाँ से आई? अच्छा पानी ना आई, इनका पैसा बाकी है ब्लॉक में, अब वीडियो साहब आप पैसा दे नहीं रहे हैं और इसके लिए सबका पानी रोक के रखे हुए हैं, रोक के इसलिए रखे हो कि इनका पैसा बाकी है तो 5000 का कॉल खोल ले जाकर अपने घर में रख दिए कि जब पैसा मिलेगा तब लगाएंगे, ऐसा ही है ना? जी नहीं, ऐसे चोर ले जा रहा था तो हम रख दिए हैं खोल के, ठीक है? चोर ले जा रहा था? हाँ। तो चोर ले जा रहा था तो वहाँ छोड़ के जाता कि लेके जाता? कटाया नहीं उसे, हाँ। लगा हुआ था तो कटाया नहीं। हाँ। तो बाद में हम खुलवा के रख दिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये बिहार की जनता है और बिहार में सरकार के धन को जो लोग है कचरा समझता है और बस उसको कचरा समझकर जो है ना उसका प्रयोग भी करता है, उसका आप जंगल के नहीं, जंगल हम हग ना आपके औरत जाएगी आपके गांव के लोग करवाएगा, ये है मामला, इसको आप गौर से देखिए। और प्रखंड विकास पदाधिकारी मोतीपुर आप संज्ञान लीजिए, आप जनता के पैसे का गलत प्रयोग नहीं कीजिए, ऐसे लोग पर कड़ी दंड सजा दीजिए कि जो लोग सरकारी संपत्ति को हाथ भी लगावे ना तो उसको डर हो। आप अब देख सकते हैं आपके सामने हम जो पूरे दृश्य को दिखा रहे हैं। मुखिया जी, आपके यहाँ माधोपुर में एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है? हाँ पूर्व से है बना हुआ, और लेकिन वह चालू नहीं है। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ जल नल का कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हम लोग कहाँ जाएं, उस पर क्या कहेंगे? हमारे संज्ञान में नहीं है कि कल नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं हमको मालूम हुआ है तो इस पर हम देख के कार्रवाई करेंगे, उसको नल चालू करवाएंगे। कब तक शौचालय चालू हो जाएगा? शौचालय हम एक हफ्ता के अंदर में चालू करवा देंगे। पर्चे बताएगा कृष्ण कुमार निषाद, मुखिया बरियारपुर। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।